गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वंस अगेन। और बड़ी कशमकश के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद, फाइनली जो है मैंने बहुत रिसर्च करी और वो भी पूरी नहीं हुई फिलहाल। तो आपको मैंने सबसे पहले एक ना स्टडी वो भेजा है, मटेरियल अपडेटेड, ठीक है, एआर मटेरियल है, थोड़ा सा बड़ा होएगा उसमें, जो रिवाइज सिलेबस का है। तो उसमें आप देखना, एक मिनट से दिखाना, व्हाट्सएप खोल देना, व्हाट्सएप खोल देना एक बार, बैक कैसे होता है, एक मिनट ना। तो एक तो मैंने जो मैंने भेजा हुआ है, प्लीज़ वो अंकित वाला पोर्शन इग्नोर करना। रिवाइज पॉलिटिकल साइंस का एक फोल्डर है, सबसे पहला 32 पेजेस का, ठीक है। इसमें आप 16 to 32 पेजेस, आप जो लोग दूर दूर हैं या पास पास, जो मेरे पास आएगा मेरे से प्रिंटआउट ले लेना, वरना आप प्लीज़ इसका प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा। 16 पेज नंबर से लेकर 32 पेज नंबर तक ये आपका अपडेटेड कंटेंट है सारे का सारा, ठीक है। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, मैंने चैप्टर 4 के नए टॉपिक्स भेजे हैं आपको, ठीक है। जो दूसरा जो है व्हाट्सएप है, इसमें ब्रिक्स ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर जो कि नया चैप्टर है, इसमें 2-3 चीज़ें ऐड हुई हैं हमारी, ठीक है, वो करना है। और चैप्टर 2 में थोड़ा सा नई चीज़ें और ऐड हुई है, वो मैंने दे दिया है। हालांकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, बट ये जो नया मटेरियल मैंने आपको भेजा है उसमें वो दिया हुआ है। कहीं बस स्कूल का कुछ कंटेंट था उसमें कुछ फालतू फालतू भी लिखा हुआ है, फिलहाल हम इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। पर जैसे मेरे पास कुछ अपडेटेड मटेरियल आता है वो मैं आपको भेजता रहूँगा, ये फॉर श्योर है, क्योंकि ना कट शॉर्ट है ये, तो ये तो आपको करना करना है याद, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोगों ने कर लिया है वो ओके। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग में ये मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, और जो भी हमारे पास अपडेटेड मटेरियल आता रहेगा वो मैं इसमें डालता रहूँगा, और आप उसके साथ देख लीजिएगा उसको। तो मैंने चैप्टर के साथ नहीं कराया है अलग से, इसलिए रिकॉर्ड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुए हैं एकदम, जैसे पालक के साथ पनीर ऐड करते हैं और आलू और दाल, वैसे ही यहाँ पे ऐड हो गया ये। बोर्ड में आए नहीं, बोर्ड में नहीं आएगा बेटा, बोर्ड में नहीं आएगा। नहीं मैं तो झक मारने के लिए बैठा हूँ, कैसे बात करते हो यार तुम आराध्य है। बोर्ड में नहीं आएगा तो कब आएगा फिर, ये सैंपल पेपर में भी कवर्ड है नए वाले यार। स्ट्रगल करना चाहिए। क्या कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा था? हाँ क्या कह रहे हो, बताओ बताओ। हो जाएंगे, मतलब भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, एग्जाम का पेपर नहीं है बस। हाँ ये भी बात सही है। अनुराग त्रिपाठी ने कहा है कि होंगे वोट्स, पक्का होंगे। अच्छा तो पहले मैं आपके लिए जो ये 32 पेजेस का जो मटेरियल है, ठीक है, ये हम लोग पहले शुरू कर लेते हैं। और इसमें आप देखोगे कि 16 पेज ऑनवर्ड्स, प्लीज़ उसको पैरेलली आप खोल लीजिएगा। 16th पेज ऑनवर्ड जो है आपको मिलेगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो है टॉपिक, से यहाँ से शुरू हो जाता है, ये ऐसे कुछ नज़र आ रहा होगा इस तरीके से, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसमें एंड ऑफ बायपोलैरिटी, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, और उसके बाद आप देखते हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इस बार तो ये खैर कटा ही हुआ है। फिर इसके बाद ये चेंज होता है, तो नेक्स्ट बुक पे जाते हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लान्ड डेवलपमेंट, नीति आयोग, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ये सब टॉपिक्स कवर है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, और ये मैं अभी सारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या इसमें कवर है, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास नहीं होगी, क्योंकि ये मैं भी आज इस बार पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। तो प्लीज़ जो दिया हुआ है, क्योंकि CBSE का मटेरियल है, कई स्कूलों में क्या हुआ है कि बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले टू द पॉइंट, और जो हमारे सामने हैं उसके ऊपर आप उसको याद करिएगा। प्लस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउट है जिसमें हमें लगता है कि नहीं समझ आ पा रहा है, तो आप उसके लिए क्या करना कि जो सैम्पल पेपर हमारा लेटेस्ट आया हुआ है उसको रेफ़र कर लेना, ठीक है। तो वो बेटर रहेगा कि आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि क्या है, किस तरीके से करना होगा, और उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप आ जाओ इस पर पहले, क्लास 12th का जो पेपर 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, एंड ऑफ बायपोलैरिटी, इसमें आपके नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। और एंड ऑफ बायपोलैरिटी का मैंने आपको ये 2 पेजेस का, 4 पेजेस का ना एक PDF भी भेजा हुआ है, इस ये वाला कुछ कुछ है, ठीक है, ये वाला। तो ये मटेरियल है, डिटेल है ये वाला,
ठीक है, इसको हम लोग खैर बाद में करेंगे, पहले हम ये गो थ्रू करते हैं सारे का सारा जो हमारे सामने है। ठीक है, तो एंडो बायपोलैरिटी में एक टॉपिक जो सबसे पहले ऐड हुआ है सब यूनिट में, वो अरब स्प्रिंग के नाम से हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें जो है 21st सेंचुरी में जो है नई डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली थी फॉर डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटाइजेशन इन वेस्ट एशियन कंट्रीज। वन सच इवेंट इज कैरेक्टराइज है अरब स्प्रिंग दैट बिगैन इन 2009। ठीक है, तो अरब कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको जाना जाता है, उसको अरब स्प्रिंग के नाम से जाना गया। 2009 के आसपास ये शुरू हुआ था, और ये जैसे ये क्या बताया कि इट लोकेटेड इन टूनिसिया, द अरब स्प्रिंग टुक इट्स रूट्स वेयर द स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी वाज ये बताया तो सही, जो नया मटेरियल भेजा है उसमें है। सोलह से बत्तीस पेज वाला दिशा। तो ये टूनिसिया में है अरब स्प्रिंग का जो स्ट्रगल जहाँ से शुरू हुआ, इट वाज अगेंस्ट करप्शन अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी व्हिच वाज स्टार्टेड बाय द पब्लिक एंड विच टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट बिकॉज द पीपल कंसीडर्ड द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इज आउटकम ऑफ ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो ये जहाँ पे जिसके बारे में जो कंट्री के बारे में जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जो जगह के बारे में मेंशन किया गया, तो उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप की वजह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज रही है जहाँ पे दिक्कतें इन लोगों को दिखती थी कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था, ठीक है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट था और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये लोग इकट्ठे शुरू हुए थे। सो द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी दैट स्टार्टेड इन टूनिशिया स्प्रेड थ्रू आउट द मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज वेस्ट एशिया। होस्नी मुबारक हु हैड बीन पावर इन इजिप्ट इन सिंस 1979 ऑल्सो कोलैप्स एज अ रिजल्ट ऑफ द मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे इनका जो लीडर था जो कि इजिप्ट में था 1979 में, और ये भी कोलैप्स हो गया था क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट चल रहे थे। और इनफैक्ट डेमोक्रेसी का जो बेसिकली एक पिक्चर है और सिनारी है वो सारे लोग अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और इसमें ये भी थे, तो उसकी वजह से इनकी पावर स्ट्रगल ख़त्म हुआ। इन एडिशन ये जो अरब स्प्रिंग का इन्फ्लुएंस है इट कुड ऑल्सो बी सीन इन द येमेन, बहरीन, लीबिया, सीरिया वेयर सिमिलर प्रोटेस्ट बाय लेड पीपल लेड टू डेमोक्रेटिक अवेकनिंग थ्रू आउट द रीजन। तो अल्टीमेटली इसका थीम अगर आप देख रहे हैं, आपको पढ़ के पता चलेगा, इसका थीम ये क्या कह रहा है कि डेमोक्रेटिक अपराइजिंग थी, और इसीलिए ये शुरू हुआ था कि डेमोक्रेसिक हमें डेमोक्रेसी चाहिए रादर देन कोई हम पे जो है रूल करे, लीडर या डिक्टेटरशिप की तरह कोई काम करे, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से बताया गया। तो इतना सा ये तो अरब स्प्रिंग है, प्लस जो चैप्टर टू का जो मैंने अभी आपको नोट्स भेजा हुआ है CIS वाला, तो इसमें आप जो अभी मैं हम जो शीट पढ़ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस कि चैप्टर टू में अरब जो ये क्राइसिस है गल्फ वॉर वाला जो भी हमने अभी पढ़ा अरब स्प्रिंग, इसके साथ साथ जो है डेमोक्रेटाइजेशन CIS एंड 21st सेंचुरी ये भी ऐड हुआ है, जिसके डिटेल नोट्स जो अभी मैंने आपको भेजे भी हैं चैप्टर एंड टू बायपोलैरिटी वाले न्यू टॉपिक, वो भी हमें करना है। ठीक है, फिलहाल हम ये वाली शीट पूरी करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि यूनिट थ्री जो न्यू सेंटर ऑफ पावर है आपका, ठीक है, इसके भी मैंने आपको वो भेज दिए हैं अलग से जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं। ठीक है, उसमें सारा सारा नहीं करना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इसमें ब्रिक्स ऐड हुआ है, रशिया ऐड हुआ है, इंडिया ऐड हुआ है, इसराइल ऐड हुआ है, ये चार कंट्रीज यहाँ पे ऐड हुई है। ठीक है, पहले सार्क भी थी, सार्क के अलावा ब्रिक्स का एक नया फॉर्मेट शुरू हुआ था यहाँ पे। तो ब्रिक्स इसको किस लिए बुलाया जाता है, इसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, इसलिए इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स जो है 2006 में फाउंड आउट करी गई थी रशिया में, और ब्रिक को ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया था जब उसको साउथ अफ्रीका इंक्लूड किया गया ईयर 2009 में। की ऑब्जेक्टिव ब्रिक्स का क्या है, प्राइमरीली टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट अमंग इट्स मेंबर बिसाइड्स नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन एंड म्यूचुअल इक्वालिटी। तो म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट हुए, नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल पॉलिसीज का और म्यूचुअल इक्वालिटी का। तो ना यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए लिख लीजिए, या अगर आपको इसको पढ़ के कुछ याद आ रहा हो तो आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, उसका भी कुछ ऐसा ही जो है यहाँ पे तरीका था, आसियान वे, नॉन कन्फेडरेशनिस्ट, इनफॉर्मल, कोऑपरेटिव, ठीक है, वो सारे तरीके थे। यहाँ पे ब्रिक्स में भी वही चल रहा है, ठीक है। एंड 11th कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स का जो है वो ब्राज़ील में हुआ था 2019 के अंदर, चेयर्ड बाय ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो। ओके, चलो, नाइस नेम। ठीक है जी, तो ये ब्रिक्स का है,
नए अपडेटेड मटेरियल के हिसाब से सिर्फ इतना ही है, ब्रिक्स फालतू की चीज़ें बहुत सारी है, पर अभी फ़िलहाल इस पे आप फोकस करिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें ऐड हुआ जो कि हमने चैप्टर टू में ऑलरेडी पढ़ रखा है रशिया के बारे में, तो रशिया भी ब्रिक्स का पार्ट है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, रशिया जो है लार्जेस्ट पार्ट है फॉर्मर सोवियत यूनियन का इवन बिफोर इट डिस्टिंग्रेशन, एंड सोवियत यूनियन जब डिसॉल्व हो गया था 1980s 1990s में, रशिया जो है स्ट्रॉन्ग सक्सेसर बना यूएसएसआर का। रशिया की जीडीपी करेंटली 11th है वर्ल्ड में। रशिया के पास रिजर्व्स हैं अपने मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, गैसेज, जो कि उसको पावरफुल कंट्री बनाता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड इन एडिशन रशिया एक न्यूक्लियर स्टेट है जिसके सोफेस्टिकेटेड वेपन्स हैं। रशिया परमानेंट मेंबर भी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। तो ये छोटा सा पार्ट है जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है इंडिया, इंडिया का हमें पता ही है, हम यहाँ रहते हैं तो हमें इसके बारे में अच्छे से ही पता है। तो 21st सेंचुरी में इंडिया को भी जो इमर्जिंग ग्लोबल पावर के नाम से जाना गया, वर्ल्ड जो एक्सपीरियंस कर रही है कि पावर और राइज जो है इंडिया का मल्टी डायमेंशनल वे में बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहा है यहाँ पे। और इकोनॉमिक कल्चर स्ट्रैटेजिक जो इनकी पोजीशन है कंट्री की, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ प्लस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा टारगेट है, मोदी जी की आशा है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी हमें बनानी है। कॉम्पिटिटिव मार्केट है यहाँ पे, इंक्लूसिव कल्चर है, 200 मिलियन से ज़्यादा लोग इंडियन डायोस्पोरा के जो है अक्रॉस द ग्लोब लोकेटेड हैं, एंड विच गिव्स अ डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड सेलियंस टू इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इन द 21st सेंचुरी। मतलब इंडिया को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम इन सब फैक्टर्स का यूज़ करके जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, एक तरीके का। स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो मिलिट्री है इंडिया की सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिजीनियस, इनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपने यहाँ ही बनी हुई है जो कि इसको न्यूक्लियर पावर बना देता है। मेक इन इंडिया स्कीम भी का भी हमें बेनिफिट मिला था टेक्नोलॉजी एंड साइंस के मामले में, जो कि एक सबसे बड़ा माइलस्टोन है इंडियन इकोनॉमी में। एंड ये जो सारे चेंजेस हैं, दीज आर मेकिंग इंडिया एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स इंडिया के इन्होंने यहाँ पे बताए हैं जिससे इंडिया एक जो है ग्लोबल पावर जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है, और आगे लोग ऑब्वियसली इसको देख रहे हैं कि इंडिया कुछ बढ़िया करेगा ज़िंदगी में लोगों की। लेट्स सी क्या करता है बेचारा हमारा, ठीक है। उसके बाद इसराइल इन्होंने बताया, ठीक है, तो शोन ऑन द वर्ल्ड मैप विद अ पॉइंटर इसराइल। आप अब एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स जो है अपने रेफरेंस के लिए आप लिख लीजिए जिनके पास ये प्रिंट आउट है, कि ब्रिक्स मैप में भी आ सकता है। ब्राज़ील आपको पता होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, रशिया हमें पता ही है, इंडिया हमें पता ही है, ब्राज़ील रियो द जनेरो कॉन्फ्रेंस हुआ था तो लोगों को याद रहता है, बट वो चैप्टर अनफॉर्चुनेटली कट ही गया। इसराइल आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज बहुत छोटा सा बीच में घुसा हुआ है कहीं, ठीक है। तो ये आप देखोगे रशिया से लेफ्ट जाते हो, यूरोप, यूरोप से नीचे आते हो और अफ्रीका के बीच में कहीं ना कहीं पड़ रहा होता है। तो इंडिया के ये नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं पड़ेगा ये, ठीक है, अगर ऐसे आपको याद करना है तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो शोन ऑन अ वर्ल्ड मैप विद अ पॉइंटर इज़राइल इज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द 21st सेंचुरी इन द वर्ल्ड ऑफ अंडर टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस इंटेलिजेंस बिसाइड्स इकॉनमी सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज। Israel has reached to the new heights of global political standing by virtue of its indomitable defense prowess. तो in fact USA को भी challenge कर लिया था। Technological innovations, industrialization and agricultural development, sustaining against adversity is the principle with which small Jewish Zionist nation Israel is placed in contemporary global politics in general, the Arab dominated West Asian politics in particular. तो Arab domination भी है, West Asian politics का भी कहीं ना कहीं रोल रहता है, और एडवर्सिटी के अंदर जो है इन्होंने अपने आप को जो है, क्योंकि जूइश के साथ पहले रहा ही था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो इसराइल ने एक बहुत जो है कम टाइम में हम देखा जाए काफ़ी तरक्की कर पाए हैं ये लोग, जैसे इंडिया का हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, उस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये वाला आपका पोर्शन था न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का, ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, इसराइल, और मैप प्लीज़ लिख लीजिएगा, मैप में भी आएगा, ये आ सकता है, हाईली जो है एक्सपेक्टेड है, तो आप ये मार्क कर लीजिएगा। ओके, देन कमिंग टू हमारा ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा चैप्टर 6 है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दो ये मतलब वहाँ पे एज एन एजेंसीज की तरह मार्क तो कर रहा, मतलब वहाँ पे बताया हुआ है, बट इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इस बार यहाँ पे, यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, ठीक है, यूनेस्को, यूनिसेफ एंड ILO ये भी कवर है। यूनेस्को क्या है, बचपन में ये पढ़ते भी थे हम लोग, यूनेस्को इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 4 नवंबर 1946 को बना था,
इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, यूनेस्को एक स्पेशल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। क्या काम करते हैं ये? एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं। एंड ड्यूरिंग पास्ट सेवरल ईयर्स स्पेशल वर्क जो यूनेस्को ने किया है कि लिटरेसी प्रमोट करना, टेक्निकल एजुकेशनल ट्रेनिंग देना, इंडिपेंडेंट मीडिया को प्रमोट करना अक्रॉस ऑल मेंबर नेशंस। ठीक है, ये इसका मेन काम रहा है, पुराना ही है, कोई नई बात नहीं है। तो ये चला आ रहा है बेचारा दूर दूर से। फिर बात आती है यूनिसेफ की। हमारे टाइम मतलब मेरे स्कूल के टाइम पे ना यूनिसेफ के कार्ड्स आते थे, तो हमें ख़रीदने के लिए बोलते थे, दो दो तीन तीन रुपए के ग्रीटिंग कार्ड्स आते थे न्यू ईयर के, क्रिसमस के, होली के। तो उससे ये होता था जो भी फंड वो इकट्ठा करते थे वो उनके वेलफेयर के लिए लगा जाता था। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड वो एस्टैब्लिश इन 1946 बाय द यूनाइटेड जनरल असेंबली एज अ बॉडी हुज मेन टास्क वाज टू कलेक्ट इमरजेंसी फंड्स फॉर चिल्ड्रन एंड टू हेल्प इन देयर डेवलपिंग वर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो काफ़ी ये एक्टिव है, हालांकि हमें इमीडिएटली अपने स्फेयर में नज़र नहीं आता, बट बहुत काम ये लोग कर रहे होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिसेफ हेल्प्स एंड एनकरेजेस द वर्क दैट प्रमोट चिल्ड्रंस हेल्थ एंड बेटर लाइफ इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विद इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स यूनिसेफ हैज़ बीन वर्किंग सक्सेसफुली इन ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 193 कंट्रीज में ये बैठ के आराम से काम कर रहे हैं और जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिसेफ था। ओके, उसके बाद इन्होंने जो है ILO के बारे में बताया है। ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अक्टूबर 1919 में जो है फाउंड आउट करी गई थी। और इससे एक साल पहले स्पैनिश फ्लू आया था, और हम जिस टाइम पे बैठे उस टाइम पे कोरोना आ रखा है। मज़ा आ गया भाई साहब। तो ये हेड्स का हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है, जो कि एफिशिएंट कंडीशन, सोशल जस्टिस और जो है जो वर्कर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए लड़ते हैं, उनके काम के लिए लड़ते हैं थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एट द ग्लोबल लेवल, कि इनको किसी तरीके की दिक्कत ना फेस करनी पड़े। इन एडिशन देयर इज एन इंसेंटिव फॉर वेमेन एंड मेल वर्कर्स टू एंगेज प्रोडक्टिव वर्क एंड टू क्रिएट सेफ्टी पैरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्टफुल कंडीशन फॉर देम एट वर्क पे। सो मतलब वर्किंग कंडीशन है, पैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, और लेबर प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, ये इन्होंने ILO के बारे में बताया। तो इसमें तीन चीज़ें एडिशन हुई है, यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, बाकी सब इंटैक्ट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं हुआ। सिक्योरिटी फिलहाल हमें आया नहीं है, इस बार कट चुका है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। ओके, तो इस बेसिस पे हमारा फर्स्ट बुक तो हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है, फर्स्ट बुक में इतना ही था जो एडिशन किया है इन लोगों ने। और अब जो है हम लोग सेकेंड बुक पे आते हैं। सेकेंड बुक थोड़ा सा डिटेल्ड है, यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी अभी शीट पे हूँ जो हम लोग कर रहे थे, तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लग जाता है क्या। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस 19 इंडिपेंडेंस, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है। और इसमें हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी पढ़ रखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन, उसका एक डिटेल वर्जन एक इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है दोबारा से। तो ये हम पढ़ लेते हैं क्योंकि नया एडिशन हुआ है। तो फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ये एक मेजर लीडर बने फ्रीडम मूवमेंट के आफ्टर द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918 एंड बारडोली सत्याग्रह ऑफ 1928 एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसलेस स्टेट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और इस डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये टास्क लिया कि 565 प्रिंसलेस स्टेट्स हमारे थे उनको इंटीग्रेट करने की ठानी। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनके नाम से अभी स्टैचू भी बना है। पटेल का अप्रोच जो था मर्जर को लेकर जो है क्लियर था, और वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया हमारा बने, और वो ये चाहते थे कि हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के चक्कर में ना करें। एंड बाय हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, डिप्लोमेटिक प्रोवेस एंड फॉर साइटेडनेस आउट ऑफ इंडियाज 565 प्रिंसलेस स्टेट्स मेनी हैड ऑलरेडी गिवन देयर कंसेंट टू मर्ज विद इंडिया इवन बिफोर अचीविंग द इंडिपेंडेंस। मतलब कई जगह स्ट्रगल तो रहा था, हमने पढ़ाई है, वो जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था, ठीक है, मणिपुर था और हैदराबाद था, बाकी सारे लोग फिर मान ही गए थे।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को चैलेंज देखने को मिला हैदराबाद जूनागढ़ कश्मीर से, और इस इनके लीडरशिप के अंदर इंडियन फोर्सेस को कंपेल किया गया था हैदराबाद जूनागढ़ को इंडिया के साथ मर्ज कराया जाए। कीपिंग वेल वर्स विद पाकिस्तान इंटेंशन फ्रॉम जिन्नाज डिवाइसिव टू नेशन थ्योरी सरदार पटेल ओपिनियन कश्मीर वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर लीडर्स। तो चाहते थे बस वही थोड़ा, जवाहरलाल नेहरू ने यूएन को उसके ऊपर साइन कर दिया था, अगर यूएन के उसके ऊपर साइन नहीं करते डॉक्यूमेंट के ऊपर तो कश्मीर का इशू उसी टाइम क्लियर हो जाता। बट कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस हुए जिसकी मैं बात कर रहा था अभी जस्ट प्रोमिनेंट लीडर के, तो सरदार जो है कश्मीर को फुली इंटीग्रेट यहाँ पे नहीं कर पाए और ये एक मेजर हिस्टोरिकल ब्लंडर बना जिसको अभी बीजेपी ने क्लियर किया है। हाउएवर सरदार विल ऑलवेज रिमेन एन एस्टाउंडिंग लीडर हु कंबाइंड इन हिमसेल्फ एज द फीचर्स ऑफ नेशनलिस्ट कैटलिस्ट रियलिस्ट, ये मार्क कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और इसको NCR के नाम से जाना जाता है। वैसे दिल्ली NCR बोला जाता है ना, दिल्ली NCR, तो याद रखना NCR। NCR इज नेशनल कैपिटल रीजन, यहाँ पे इनको नेशनलिस्ट कैटलिस्ट रियलिस्ट बोला जाता है इंडियन की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और एड तो यहाँ पर नहीं दिया हो पर इनके नाम से स्टैचू भी बना है तो ये आपको पता ही है, ये इन्होंने बताया यूनिटी स्टैचू। ओके, यूनिट टू प्लान डेवलपमेंट है ये, हमने मैंने आपके इसकी जो वीडियो रिकॉर्ड पूरी कर रखी है इस चैप्टर की और यही एक्सप्लेन किया हुआ था, पर मैं दोबारा से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये प्लान डेवलपमेंट जो बेसिकली चैप्टर 3 है आपका बुक 2 का, उसमें ये डिटेल दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन ने जो है बेस किया था सोशलिस्ट मॉडल के ऊपर और आफ्टर फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बट ग्लोबलाइजेशन के एरा में जो है इनफेक्टिव हो चुका था, इररेलेवेंट हो चुका था सोशलिज्म की इनकी जो पॉलिसी थी, बेसिकली हमने तो मिक्स्ड पॉलिसी ही अपना रखी थी एक तरीके का। हेंस ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे, तो इन्होंने बताया ऑन 15 अगस्त 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक्ड अबाउट द अबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग इसकी जगह बन गया था। 1 जनवरी 2015 से ये काम कर रहा था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हो गया, नीति आयोग हुआ, 1 जनवरी 2015 से ये एक्टिव है। प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है नीति आयोग के, और वो वाइस चेयरपर्सन भी नीति आयोग के अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के थे अरविंद पनगड़िया और डॉक्टर राजीव कुमार इज़ द करेंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो ये आपको याद करना है क्योंकि जिनके अभी पेपर वेपर हुए थे जो क्वेश्चन पूछे हुए थे। एंड टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इन टू प्रिपेयर स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो बेसिकली आप देखते थे, आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन का क्या था, 5 ईयर प्लान प्लस 20 ईयर लॉन्ग टर्म प्लान में इफेक्टिव होते थे। अब ये नीति आयोग ही सारा काम कर रहा होता है, इसलिए इसको थिंक टैंक के नाम से बोला गया। तो ये बॉटम अप अप्रोच का यूज कर रहे होते हैं। द नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री। बॉटम अप क्यों बोला गया है, क्योंकि ये चाहते हैं रूरल सोसाइटी से डेवलपमेंट हो, रूरल सोसाइटी से। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है, इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान देना इस बात पर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये इन द सेंस कि इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स का, इक्वल से हो, सबकी बात सुनी जाए, अंडरस्टैंड करी जाए, अपार्ट फ्रॉम दैट बॉटम अप अप्रोच को यूज़ किया जाए कि रूरल डेवलपमेंट से, क्योंकि कई लोग ऐसे लीडर्स थे जो बोलते थे कि गांव से जो डेवलपमेंट होगी वो बहुत बड़े लेवल पे फिर जो है आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है जी, तो ये नीति आयोग का इन्होंने बता दिया। फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है जो कि चैप्टर 4 है, इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशन, वो तो जो हमने कर लिया था, मैंने आपको चैप्टर वो करा ही दिया था नए वाले हिसाब से। तो इंडिया इसराइल का रिलेशनशिप यहाँ पे बताया हुआ है, प्लस एक जो है इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम का अपडेट भी इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो उसको आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, नियरली 45 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, ड्यू टू वेरियस इन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है मिडिल ईस्ट रीजन की, इसको वेस्ट एशियन रीजन भी बोला जाता है, इंडिया का रिलेशन वेस्ट एशियन कंट्री के साथ ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है, इस्लामिक कंट्रीज के साथ। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियाज एटीट्यूड टुवर्ड इसराइल द नॉन इस्लामिक नेशन इन द रीजन रिमेन अनएक्सप्लोर्ड, नॉट विद स्टैंडिंग द टू नेशन गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन 1947-1948। तो इसराइल भी ब्रिटिशर्स के अंदर था, इंडिया को मिला 1947 के अंदर आज़ादी और 1948 के अंदर इसराइल को मिला। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज इंडिया और इसराइल के पुराने थे, हैव गॉन बैक फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर्मली डेवलप बिटवीन द टू आफ्टर द ओपनिंग ऑफ इसराइल एम्बेसी इन इंडिया 1992। थोड़ा सा काफ़ी इम्पैक्ट इस चीज़ के ऊपर पड़ा, बट कहते हैं
फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बनने के बावजूद भी रिलेशन जो है दो कंट्रीज़ के बीच में दे स्टार्टेड गेनिंग फर्मनेस ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट इन 1996 एंड 1998। तो आप ये देखते हैं कि बीजेपी जब गवर्नमेंट आई थी, ठीक है जी, तो 1996-98 में इनके जो है इंडिया और इसराइल के रिलेशन थोड़े से अच्छे होते हुए नजर आए। रिलेशन बिटवीन द टू डेमोक्रेटिक नेशन फर्दर इंटेंसिफाइड विद द विजिट ऑफ टू हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इसराइल इन 2017 एंड प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टू इंडिया इन 2018। तो दोनों आपस में मिले, गप्पे शप्पे, चाय वाय, पकौड़े वकौड़े खाए इन्होंने, तो जाके इनका थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मज़ा आना शुरू हुआ है। एंड दोनों नेशन जो है अब जो है कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, स्पेस रिसर्च, वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये उन्होंने थोड़ा सा एक अच्छा काम किया है, ठीक है जी। तो ये इनका इंडिया का इसराइल के साथ रिलेशनशिप यहाँ पे बताए हुए। फिर इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये हमने पढ़ लिया था, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बताया था, नो फर्स्ट यूज़ के बारे में बोला, इंडिया ने जो है डिस्क्रिमिनेटरी माना हुआ था कि NPT को, कि सिर्फ जो है पॉपुलर कंट्रीज या सुपर पावर है उनके ऊपर इन्होंने बोला था कि सिर्फ हम फोकस करके चलेंगे, बट बाकी लोगों के ऊपर नहीं बोला था। तो इसमें थोड़ा सा एडिशन किया गया कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी हमेशा पीस ओरिएंटेड रही है, वो तो पता है, क्लियर इंप्लीकेशन था कि नो फर्स्ट यूज़, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बट इन व्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस द प्रेजेंट गवर्नमेंट लेड बाय PM नरेंद्र मोदी हैज़ मेड इट क्लियर दैट द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़ कैन बी रिव्यूड एंड चेंज इन कॉन्फिडेंस इन इंडिया रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो PM ने क्या बोल दिया, नो फर्स्ट यूज़ तो दूर की बात है, कहते हैं अब जो रीजनल जो है सिक्योरिटी और चैलेंजेस थोड़े से चेंज हो चुके हैं और हम उसको देख के हम ये जो सिक्योरिटी का जो इशू है इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई गड़बड़ होती है तो हम न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने से कतराएंगे नहीं भाई साहब, मार देंगे गोली सीधा, कहाँ पे मार देंगे, सर में मार देंगे, उड़ा देंगे भैया, देख लीजिए। इन एडिशन इंडिया इज़ कमिटेड टू इंश्योरिंग इज मेंबरशिप इन द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स। हालांकि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में इंडिया को कंसिडर नहीं किया गया था, चाइना ने वीटो पावर का यूज़ करके इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, कि इंडिया जो है NSG का पार्ट नहीं बनेगी, एंड अपोजिंग पार्टिसन एंड अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज लाइक CTBT एंड NPT। इसको जो क्लियरली डिस्क्रिमिनेट ही किया था वो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा आप लोग, इसी के ऊपर इतना ही ध्यान देना है आपको। तो ये चैप्टर 4 इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, उसमें एडिशन इस चीज़ का हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर 4 का था, ओके। इसके बाद अब आप बात आती है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस सब यूनिट जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन। तो कई लोगों ने ध्यान दिया होगा इस बात पे कि जो चैप्टर 6 है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, उसका नाम चेंज होकर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस हो गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण और टोटल रेवोल्यूशन का थोड़ा सा ना डिटेल्ड एस्पेक्ट दिया था। हालांकि हमें ये पता था जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन चाहता था, जिनको ये पता है, जिन लोगों ने पढ़ा है, तो ही वांटेड टोटल रेवोल्यूशन, की वो चाहता था कि जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है उसको चेंज किया जाए, बिकॉज दे आर बींग एंटी डेमोक्रेटिक और वो हमें समझ नहीं आ रहा है। और ये बातें थी, दे वॉन्टेड टू इंश्योर द राइट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, कि वो हम लेकर आना चाहते हैं और ये पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। तो जयप्रकाश नारायण अपने 3 की कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं, फाइट अगेंस्ट करप्शन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म एंड चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, करप्शन से लड़ना, कम्युनिटेरियन सोशलिज्म के बारे में बात करी गई इन लोगों ने। मतलब कम्युनिटेरियन सोशलिज्म के बारे में ये हो गया कि अपनी एक कम्युनिटी स्पेसिफिक सोशलिज्म आप कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी स्पेसिफिक, बट वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं हो पाती। एंड टोटल रेवोल्यूशन को इन्होंने एक हद तक अचीव करने की कोशिश करी थी। जयप्रकाश नारायणन पहले लीडर थे इंडिपेंडेंस के बाद जिन्होंने जो है करप्शन के अगेंस्ट लड़े, यूथ का पार्टिसिपेशन कराया, गुजरात बिहार मूवमेंट में हमने पढ़ा हुआ है। इसने जो है लोकपाल ऑफिस को भी जो है एडवोकेट कर दिया था अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। हिज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म व्यूज इंडिया एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज एंड कंपासिंग 3 की लेयर्स। तो कहते हैं कम्युनिटेरियन सोशलिज्म क्या कहता है, एक तो जो मैंने आपको बात बताई और प्लस जो इसका व्यू था जो एग्जैक्टली है, एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज encompassing 3 key layers, community, region and राष्ट्र, all combining together as an example of true federation. तो अब क्या होता है, जैसे अगर मैं पौधदार हूँ तो पौधदार लोगों की कम्युनिटी होगी, लोगों की भी कम्युनिटी होती है, एक उनका रीजन होगा। अब जैसे क्या है, जैसे ये जो पौधदार वाले बनिए होते हैं, जैसे हम बनिया कंसिडर हमें करते हैं, तो पौधदार वाले बनिए आपको बिहार में मिलेंगे,
आपको उड़ीसा में मिलेंगे, आपको राजस्थान में मिलेंगे, और कुछ साउथ इंडिया में भी मिल रहे होते हैं, कुछ वेस्ट बंगाल में भी मिल रहे होते हैं। एंड राष्ट्र, राष्ट्र हमारा क्या है, देश पूरा, ठीक है, उस पर। और ये ट्रू फेडरेशन इसलिए माना जाता है, इनको सबको कंसिडर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, आप अपना भी कंसिडर कर सकते हो। सो बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल, जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड स्टेट थ्रू फॉर टोटल रेवोल्यूशन। हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन सॉट टू एनकम्पास मॉरल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो उसने उसी टाइम अडॉप्ट कर लिया था 1964 में, 1974 में एक्चुअली, जो गुजरात और बिहार मूवमेंट हुए थे, तो ये टोटल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा था इन सारे स्फेयर्स में। हिज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द राइट टू कॉल द इम्पॉर्टेंस ऑफ विलेज मोहल्ला समितिज एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटीज। तो इसने वही बोला, वो ग्रास रूट लेवल पर काम करना, जो पीछे अभी हमने बात करी थी गाँव से, कि इसका पार्टिसिपेशन हो। हिज कॉल फॉर अपर, ऊपर के लोग टू ज्वाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर अ क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री, एंड हिज कॉल फॉर ऊपर के लोग, ठीक है, ठीक है। तो अपर लिखा हुआ है या ऊपर लिखा हुआ है, एंड इज कॉल फॉर अपर के लोग या ऊपर के लोग टू ज्वाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर क्लीन पॉलिटिक्स। एक मिनट ना, होल्ड करो। राइट टू टोर कॉल द इम्पोर्टेंट एंड इज कॉल फॉर अपर के लोग, चलो लेट मी आई विल चेक, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है काफ़ी सारा, ये ऊपर के लोग बोला गया है, तो अगर ये नीचे की बात कर रहा है तो ऊपर क्यों मेंशन किया है इसने। चलो आई विल चेक, ठीक है। ऊपर के लोग टू ज्वाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर अ क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री एंड द असेंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण रिवॉल्व्स अराउंड मैन हु कुड बी द रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडिया। तो ऐसा ये मानता था कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि रियल कैटलिस्ट हो, चेंज हो, ठीक है, जो चेंज मेकर हो। और इन फैक्ट जो है, एक मिनट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैटलिस्ट से अभी पीछे रेफर किया गया है, ठीक है। और इनफैक्ट नरेंद्र मोदी को भी ये बात बोली जाती है, कैटलिस्ट, ठीक है, बट किस हद तक कैटलिस्ट है वो नहीं पता। इसी में फिर आप देखते हो कि ये डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब तो नहीं है, बट इसमें आपका जो है राम मनोहर लोहिया सोशलिज्म के बारे में भी बता रखा है। राम मनोहर लोहिया के बारे में आप चैप्टर टू में पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आता है इसके बारे में, बट यहाँ पे इन्होंने डिटेल दिया हुआ है कि राम मनोहर लोहिया क्या चाहते थे सोशलिज्म के बारे में। नहीं, हाँ, थोड़ा सा उसमें भी था, चैप्टर फाइव में राम मनोहर लोहिया सोशलिज्म, और उसका बॉक्स था कि इंदिरा गांधी का जो है नॉन कांग्रेसिज्म वाले जो आइडिया था वो इन्होंने ही दिया हुआ था, राम मनोहर लोहिया ने, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया जो है वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट है सोशलिज्म इन इंडिया के, और इन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ऊपर फोकस किया था वाइल एसोसिएटिंग सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी। लोहिया कंसिडर्ड कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म इक्वली इररेलीवेंट है फॉर इंडियन सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो ये मानते थे वो उसके दो ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के इसके दो ऑब्जेक्टिव थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग एंड द नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। ठीक है, इस तरीके से ये समझा जाता था। तो लोहिया ने क्या एडो किया, चौबुर्जा राजनीति, चौबुर्जा इन विच ही ओपाइंस फोर, चौबुर्ज मतलब हो गया चार पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज सोशलिज्म, सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज। मतलब बोलते तो सारे हैं, ये भी ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी की बात ही कर रहा है, सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ग्रास रूट लेवल तक चला गया। ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर गिविंग कंसिडरेशन टू एफर्मेटिव एक्शन। लोहिया आर्ग्यू दैट द पॉलिसी ऑफ एफर्मेटिव एक्शन शुड नॉट ओनली बी फॉर द डाउन ट्रोडन बट ऑल्सो फॉर द वुमेन एंड नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो इसने ये बात करी कि एफर्मेटिव पॉजिटिव एक्शन लिया जाए कि कर सकते हैं, सिर्फ डाउन ट्रॉडन के लिए नहीं किया जाए, वेमेन और नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए भी ये किया जाए। एंड बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ डाउन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म द चौबुर्जा राजनीति दैट इज फोर पिलर्स डेमोक्रेसी, फोर पिलर्स पॉलिटिक्स एक्चुअली। लोहिया सपोर्टेड अ पार्टी ऑफ सोशलिज्म एज एन अटेम्प्ट ऑफ मर्जिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, बट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ये नहीं हुआ था। द पार्टी ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू लोहिया शुड हैव थ्री सिंबल्स, स्पेड, प्रिपेयर टू मेक एफर्ट्स। तो आप अगर जो है सोशलिस्ट पार्टी का सिंबल देखेंगे बुक टू में, मेरे ख्याल से शायद ये देखा ना बुक टू, एक बार एक मिनट हाँ उसको रख के निकालोगे क्या यार।
यहाँ पे क्या सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने पेड़ दिखा रखा है, हाँ पेड़ दिखा रखा है लोगो, इनके जो पार्टी का सिंबल था, लेट मी सी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है लेट इट चलो। तो इसमें इन्होंने बोला था स्पेड है प्रिपेयर टू मेक एफर्ट्स वोट पावर ऑफ वोटिंग एंड प्रिजन विलिंगनेस टू मेक सैक्रीफाइस, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ये कोशिश कर रहे थे करने की, ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई थी। ठीक है जी, तो ठीक है जी, तो हम ना आज इतना ही करते हैं, इनमें डेटा बहुत ज़्यादा है, बोर हो जाओगे, ठीक है। तो ये अब प्लीज़ अब ये ध्यान रखना, इसका प्लीज़ प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा कोशिश करके आप लोग, और जो मेरे पास आएगा या तो मेरे से ले जाना, बेटर है कि आप लोग निकाल लें, ठीक है, तो मुझे कभी कभी याद नहीं रहता। तो अभी हमने फ़िलहाल जो है राम मनोहर लोहिया सोशलिज्म तक किया है, इसके बाद अभी दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और डेमोक्रेटिक अपसर्जे रीजनल एस्पिरेशंस वगैरह ये सब चीज़ें बची हैं, तो इसको हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, और इसके आगे वाला जो थोड़ा सा जो होगा बाकी मैं ढूंढ के रखूँगा, तो वो हम लोग एडिशनली कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका रामबाण है लास्ट का, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, आप इस पेज से आप देखेंगे, और जो नया सिलेबस का भी PDF ग्रुप में आ रखा है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें सब लिखा हुआ है, ये प्रपोज कंटेंट्स यहाँ पे है, तो उसको प्लीज़ रेफर कर करके आप पढ़ते रखिए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट, अब एक छोटी सी बात सुनेगा, सिर्फ एक मिनट लूँगा, जो उसका प्रपोज कंटेंट तो है, ठीक है। अब जितना भी हमारा सिलेबस जो अभी 2020 के हिसाब से है, वो तो आपको करना है, पहले उसको चार्ट लो आप अच्छे से, ठीक है, जैसे आपको याद करना है, जिस तरीके से करना है, आप उसको अच्छे से करो, ठीक है, उसके बाद आप इस पे आना, क्योंकि ये बिल्कुल नया है, वो सब रेपिटेशन में है, उसका मुझे भी आइडिया है। तो आप ये देखो, चलो 90% अगर उधर से है, 10% ये है, तो ये बात की बात है, ये हो जाएगा, पहले उसको पक्का करो, जो मर्जी हो जाए, वहाँ से आपके किसी भी तरीके से मार्क्स लैक नहीं होने चाहिए, ठीक है, आप ये ध्यान रखना सारे के सारे, ठीक है जी। और बाकी फिर इसको हम लोग करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू, कौन कौन थैंक यू वाला है हमारे यहाँ पे, थैंक यू राधे चैतन्य दिशा गौरांगी गुनगुन कनिका कीर्ति पलक तुलिका वान्या, थैंक यू वेरी मच, वेलीसा, थैंक यू।